हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत सेरुटेक। ये आज का वीडियो हमारा पार्ट 7 होगा, जो हमारा टॉपिक है नोइंग आवर नंबर्स का। ठीक है, तो जैसे कि पार्ट 7 है तो ऑलरेडी हमने पार्ट 6 तक कंप्लीट किया हुआ है और आई एक्सपेक्ट कि आपने उन वीडियोस को देखा होगा। पार्ट 6 में हम लोग क्या कर रहे थे एक बार आइए देखते हैं। तो बेसिकली हमने ये सारे टॉपिक्स को तो पिछले वीडियोज़ में कम्प्लीट कर लिया है। पार्ट 6 में हम लोग ये जो 4 और 5 का टॉपिक था उसका न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। ठीक है, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस रह गया था तो उसको हम लोग आज इसमें करेंगे। और पार्ट 6 में एक बात मैंने भी आप लोग को कहा था कि जो हमारा जो ये क्वेश्चन था एसर्शन रीजन से रिलेटेड, इसमें एक पॉइंट हम लोग का छूट गया था जिसके कारण प्रॉपर आंसर हम लोग नहीं दे पा रहे थे। तो अब हम लोग इस पार्ट में उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि एसर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना, ये जो ऑप्शंस दिए हैं या ये एसर्शन है, ये रीजन है, ये है क्या, क्योंकि यह आप लोग के लिए पहली बार इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने को मिल रहा है। इसके पहले आपने एसर्शन रीजन बेस्ड कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं एसर्शन रीजन है क्या। तो देखिए, इसमें होगा क्या कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होंगे, एक एसर्शन और एक रीजन। ये स्टेटमेंट्स है, जैसे हम लोग नॉर्मल स्टेटमेंट इंग्लिश में बोलते हैं ना, दिस इज अ बॉय, ही इज अ स्टूडेंट, दे आर गोइंग टू मार्केट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। तो ये सब क्या है, नॉर्मल स्टेटमेंट्स है। ही इज गोइंग टू मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल्स, तो ये सब नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं। तो उसी तरह से एसर्शन और रीजन भी एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन इनमें एक रिलेशन होता है। जैसे अक्सर आप कई बार होमवर्क करके नहीं आ पाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो आप बताते हैं कि मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया। तो यानी एक यहाँ पे स्टेटमेंट ये हुआ है कि आपने होमवर्क नहीं किया, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि आपकी तबीयत खराब थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी, ठीक है ना। तो आपने होमवर्क नहीं किया ये एसर्शन हो गया, और आपकी तबीयत खराब थी वो उसका रीजन हो गया होमवर्क नहीं करने का। तो उसी तरह से यहाँ पे दो स्टेटमेंट हो गए, एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया होगा और फिर उस वो स्टेटमेंट क्यों दिया गया है उसके पीछे एक रीजन दिया रहेगा। तो हमें अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करना है, और चेक करके जब हम चेक करेंगे तो हम ये 5 तरह का इसमें पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। अब ये 5 ऑप्शंस को पहले हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे हमें आंसर बेसिकली ऑप्शंस में देने, या तो आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा या ई होगा, इन 5 में से कोई एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज कीजिए इसका आंसर हमारा क्या आता है, ए आता है, तो आप ए लिख देंगे। अगर ए नहीं बी आता है तो बी लिख देंगे, नहीं तो सी लिखेंगे, नहीं तो डी लिखेंगे, नहीं तो ई। ये 5 में से कोई एक ऑप्शन हमारा जो होगा एज एन आंसर होगा। तो कब हम ए आंसर देंगे, कब बी देंगे, कब सी देंगे, कब डी देंगे, कब ई देंगे, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये तो आंसर है नहीं इसको, इसलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो ए आंसर कब देंगे, तो जब हम पाएंगे कि हमारा जो एसर्शन है और जो रीजन है दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब दोनों बातें सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन जो उसका रीजन दिया गया है वो उस एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे वही है कि आपने कहा कि सर मैंने होमवर्क नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो यहाँ जो तबीयत खराब थी एक रीज़न है, प्रॉपर रीज़न है, तो हम क्या कहेंगे इस कंडीशन में कि आपने आपका जो कंडीशन है वो कंडीशन ए के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपने जो रीज़न दिया है एक्सप्लेनेशन दिया है वो सही दिया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कुछ और ही रीज़न दें जो कि आपके होमवर्क नहीं करने से कोई मैच ही नहीं करता है। जैसे आप कह रहे हैं कि सर मैंने होमवर्क नहीं किया क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी, तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ, है ना। आपने होमवर्क नहीं किया, भूख नहीं लगी थी, उसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि भूख तो जनरली देर सवेर लग भी जाता है ना। आप होमवर्क जब भूख नहीं ली तो भी आप कर सकते थे, और भूख लगी थी तो भी आप कर सकते थे, तो दोनों ही सिचुएशन में। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्लेनेशन हुआ वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। तो जैसे अगर आपने कहा कि सर मैंने होमवर्क नहीं किया क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी, तो दोनों स्टेटमेंट एक जगह पे सही हो सकता है, आपको भूख नहीं लगी हो, और ये भी कि आपने होमवर्क नहीं किया, वो भी दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो आपने रीज़न दिया कि मुझे भूख नहीं लगी थी, ये होमवर्क नहीं करने का कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम कौन सा आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे, आंसर बी, ठीक है ना। बोथ एसर्शन ए एंड रीज़न, मतलब दोनों अपनी जगह पे करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो रीज़न है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप ही देखिए, आपने होमवर्क नहीं किया क्योंकि आपको भूख नहीं लगी थी, ये कोई रीज़न है ही नहीं। भूख नहीं लगी थी ये प्रॉपर आपने सही कहा, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये आपके नहीं होमवर्क करने का कोई रीज़न नहीं है। तो इसीलिए उस सिचुएशन में हम लोग बी को सेलेक्ट करेंगे। अब सी, एसर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज रॉन्ग स्टेटमेंट। जैसे मान लीजिए
मुझे पता लग जाए कि आपका तबीयत खराब नहीं था। आपने कहा कि मैंने सर होमवर्क नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। अब ये बात आपको लग रहा है कि मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मैं किसी सोर्स से मुझे पहले ही पता चल गया है कि आपने होमवर्क, आपकी तबीयत खराब नहीं थी, आप झूठ बोल रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हमारा क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि आपने होमवर्क नहीं किया, ये तो सही है, लेकिन जो आपने रीजन दिया कि आपकी तबीयत खराब थी वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो उस सिचुएशन में हमारा आंसर होगा सी। और अब ये एस ऑप्शन डी, जैसे कि आपने कहा कि आपने होमवर्क किया है, कई बार आप झूठ भी बोलते हैं कि नहीं सर हमने होमवर्क कर लिया है, कॉपी घर पे छूट गया है, ये भी आप अक्सर रीजन देते हैं। तो आपने जो पहले बोला कि आपने होमवर्क किया है वो भी आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपने किया नहीं है। और दूसरी बात, आप कॉपी लाए हैं लेकिन आप पिटाने के डर से आप उसको बता नहीं रहे हैं, तो इसलिए आपने जो दूसरा स्टेटमेंट दिया कि मैं कॉपी नहीं लाया हूँ घर पे छूट गया है, वो भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अगर आप दोनों बातें गलत बोल रहे हैं तो उस सिचुएशन में जो हमारा आंसर होगा वो होगा आंसर डी। और ई कब होगा? आई एम सॉरी, ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो ई का एग्जाम्पल एक्चुअली दे दिया, कि जैसे आपने बोला कि सर मैंने होमवर्क किया है लेकिन कॉपी घर पे छूट गया है, और जबकि ना आपने होमवर्क किया है ना आपका कॉपी घर पे छूटा है, आप झूठ बोल रहे हैं, दोनों ही बातें झूठ बोल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा आंसर होगा ई। फिर डी कब होगा? जब आप कह रहे हैं कि आंसर ए इज रॉन्ग बट रीजन आर इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि आपने होमवर्क, आपने बोला कि सर मैंने होमवर्क नहीं किया है, आपने कहा कि सर मैंने होमवर्क कर लिया है लेकिन मेरा कॉपी घर पे रह गया है, और हो सकता है सच में आपका कॉपी घर पे रह गया हो और इसीलिए आप ये झूठ बोल रहे हैं कि सर तो चेक कर पाएंगे नहीं, तो मैं चलो झूठ बोल देता हूँ कि सर मैंने होमवर्क कर लिया है। तो यहाँ आपने क्या किया कि आपने झूठ बोला कि आपने होमवर्क कर लिया है लेकिन आपने ये बात सच बताया कि आपका कॉपी घर पे रह गया है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ को हम लोग, ये जो हमारा क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन, इस पर हम लोग मिलाकर देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका आंसर कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एसर्शन है कि 5 kg इज ग्रेटर देन दिस नंबर, व्हाट विल रीड दिस नंबर, 70 lakh milligram, एंड रीजन इज 1 kg इज इक्वल टू, इसको आप रीड करेंगे तो ये 10 lakh milligram हो जाएगा। तो क्या ये रीजन सही है या नहीं है, इसको एक बार हम लोग चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग रफ कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है, बट दिस इज इन मिलीग्राम, तो हमको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। और आप ये भी जानते हैं कि 1 gram इज इक्वल टू 1000 milligram, तो अगर हम लोग 1 kg को कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम में तो क्या हो जाएगा, 1000, है ना, ये ग्राम में पहले कन्वर्ट किया और फिर ग्राम को जब मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग दो बार नहीं लिखेंगे ग्राम को, यहाँ जी हटा देते हैं, 1000 × 1000, तो ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 इधर का और 3 इधर का 6 zeros हो जाएंगे। तो आपने क्या पाया कि ये भी आपका 10 lakh हो रहा है जो यहाँ पे लिखा है, यानी आपने पाया कि 1 kg इज इक्वल टू 10 lakh milligram, मतलब हमारा जो रीजन है वो तो करेक्ट है, ये तो बात समझ में आ गया, रीजन इज करेक्ट। लेकिन अब ये 5 kg है, अब ये जब 10 milligram इज इक्वल टू 1 kg तो 70 milligram इज इक्वल टू 7 kg होना चाहिए था, है ना, जैसे यहाँ पे देखिए 10 lakh milligram इज इक्वल टू 1 kg है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं 10 lakh milligram इज इक्वल टू 1 kg, तो यहाँ पे कितना मिलीग्राम है, 70 lakh milligram है, ये आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पे 7 kg होना चाहिए। तो क्या आप बताइए, 7, ये जो ये हमारा 7 kg हो गया और ये हमारा है 5 kg, तो क्या 5 kg बड़ा हो सकता है 7 kg से? नहीं हो सकता है, मतलब हमारा एसर्शन जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है बट रीजन इज करेक्ट। तो ये कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एसर्शन रॉन्ग हो रहा है हमारा और रीजन करेक्ट हो रहा है? तो आप पाएंगे डी। डी में देखिए, हमारा एसर्शन इज रॉन्ग बट रीजन आर इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हम क्या देंगे, डी देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको एसर्शन और रीजन से लेकर जितने भी सिचुएशंस हो सकते हैं उन सभी सिचुएशंस को यहाँ पे ऑप्शंस में मेंशन कर दिया गया है। अब आपको देखना है कि जो सिचुएशन वहाँ फिट कर रहा है उसी सिचुएशन का ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना एज योर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग क्या देखेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जनरली हमारे डेली लाइफ में
हम लोग अक्सर कुछ ऐसे सिचुएशंस या कुछ प्रॉब्लम्स में के सामने आ जाते हैं जिसको हमें हल करना होता है, ठीक है ना, यूजिंग आवर मैथमेटिक्स एबिलिटी। तो बेसिकली ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो यही है कि आप कितना सीख रहे हैं, आप अपने जो हमारा जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्या आप उनको अपना जो आपने मैथमेटिक्स सीखा है उस पर आप अप्लाई कर पा रहे कि नहीं, इसी को चेक करने के लिए हम लोग कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ सिचुएशन है, चलिए इसको हम लोग पढ़ के समझते हैं। ये जो लिखा हुआ है, जैसे आपने अक्सर इंग्लिश में भी पैसेज पढ़ा है, आपने एक छोटा सा स्टोरी होता था या पैसेज होता था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते थे जिसको आप आंसर करते थे, तो सेम उसी तरह यहाँ पे जो पैसेज है मैथमेटिकल फॉर्म में है और क्वेश्चंस भी उसका मैथ से रिलेटेड होगा। तो चलिए समझते हैं क्या है। पोर्टेबल वाटर इन साउथ हरियाणा सिटीज ऑफ फरीदाबाद, ठीक है ना। तो हरियाणा आप जानते हैं एक हमारे कंट्री का एक स्टेट है, और हरियाणा में भी जैसे उसको अगर आप चार पार्ट में डिवाइड करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउदर्न पार्ट जो है हरियाणा का, वहाँ पे साउदर्न पार्ट में एक सिटी है फरीदाबाद। और फरीदाबाद में भी छोटे मोटे बहुत सारे सिटी होंगे, फरीदाबाद जैसे यहाँ पे हमारा कोई एक सिटी लेते हैं सारण सिटी, सारण डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे सिटी हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से फरीदाबाद में भी बहुत सारे नियर बा जो आसपास में छोटे मोटे सिटीज होंगे, तो वहाँ की वहाँ का ये एक सिचुएशन दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि गुरुग्राम, गुरुग्राम जो है ये भी एक छोटा सा शहर है जो फरीदाबाद के अंडर आता है। अब ये गुरुग्राम में क्या हो रहा है, इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू होम्स इन बॉटल्स, मतलब गुरुग्राम के शहरों में के घरों में बॉटल में भरकर पोर्टेबल वाटर भेजा जाता है सीधे डायरेक्ट, मतलब आरोप जहां पे वाटर बना या बना मतलब या पैकिंग हुआ उसका, वहां से वो डायरेक्टली घर पे पहुंचाते हैं। मतलब जैसे जनरली क्या होता है कि कोई चीज़ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो वो मार्केट में जाता है या शॉप पे जाता है, फिर हम लोग जाके वहाँ से खरीदते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं, ये बना पैकेज हुआ और सीधे घर पे पहुँचाया जा रहा है, ठीक है ना, बॉटल्स में भर के। आपके घर में भी आता होगा, अब तो हमारे यहाँ गाँव में भी देखा आपने बहुत सारे लोग आरओ का वाटर बॉटल में भरा हुआ पीते हैं, तो सेम वही सिचुएशन है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गुरुग्राम शहर है उनके घरों में पोर्टेबल वाटर उन्हीं को बोला जाता है, क्योंकि उसको हम लोग एक कंटेनर में भर कर भेज रहे हैं घरों में, ठीक है। तो अब जो लोग, अब आप जानते हैं कि आरओ जो जो वाटर होता है उसको ऐसे ही सीधे बॉटल में भर के नहीं भेजा जाता है, सॉरी, उसको पहले आरओ प्लांट्स में प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो आरओ प्लांट्स हैं, एक जो है वो एट प्लेस पी, है ना, पी कोई प्लेस है, ऐसे ही हम लोग एक इमेजिनरी नेम ले लिए हैं, प्लेस पी है जहाँ पे एक आरओ प्लांट लोकेटेड है, और दूसरा प्लेस क्यू, क्यू जो एक प्लेस है वहाँ पे लोकेटेड है, मतलब दो आरओ प्लांट है, एक प्लेस पी और एक प्लेस क्यू। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है पी और यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू, तो एक आरओ प्लांट यहाँ पे है और एक दूसरा आरओ प्लांट यहाँ पे है, ऐसे समझ लीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये आरओ प्लांट्स है, फ्रॉम दीज प्लांट्स वाटर इज डिलीवर्ड टू द थ्री सोसाइटीज लोकेटेड एट एबीसी। अब शहर शहरों में भी कई सारे सोसाइटीज होते हैं, तो यहाँ पे दो सोसाइटीज की बात हो रही है, एक ए एक बी और एक सी। डेली प्रोडक्शन ऑफ वाटर बाय पी एंड क्यू आर 12,000 किलोलीटर एंड 15,000 किलोलीटर, ऐसे समझ लीजिए पी है, यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है वाटर का 12,000 किलोलीटर, और क्यू में कितना हो रहा है 15,000। ये सब डेटा को कलेक्ट करते चलेंगे हम लोग, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना, आप कॉपी में लिखेंगे अपना। अब नेक्स्ट उसके आगे का क्या है, तो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ऑफ सोसाइटीज ए बी एंड सी, ठीक है ना। अब तीनों सोसाइटीज हैं लेकिन तीनों में जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ए की रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8,000 किलोलीटर, अब बी का रिक्वायरमेंट कितना है 9,000 किलोलीटर, और सी का रिक्वायरमेंट 10,000 किलोलीटर, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट हमें पता चल गया, ओके। अब आगे का स्टेटमेंट क्या है कि पी जो है ये वाला ये पी ये 12,000 किलोलीटर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और यहां अगर देखा जाए तो ए बी सी तीनों ही सोसाइटी का अगर मिलाकर अगर हम लोग रिक्वायरमेंट की बात करें तो कितना होगा, तो अब जोड़ लेते हैं तो हम लोग कितना हो जा रहा है 0,0,0,17,
27,000 किलोलीटर, मतलब तीनों सोसाइटी का जो नीड है ऑफ वाटर वो 27,000 किलोलीटर, लेकिन लेकिन ये जो पी है वो सिर्फ 12,000 किलोलीटर प्रोड्यूस करता है और क्यू 15,000 किलोलीटर प्रोड्यूस करता है। यानी कि एक अकेला पी जो है आरओ प्लांट ये तीनों सोसाइटी के वाटर नीड्स को पूरा नहीं कर सकता, ना ही अकेला क्यू पूरा कर सकता है, ठीक है ना। और वैसे होता भी है कि कौन सा पर्सन कौन से आरओ प्लांट से पानी ले रहा है ये तो फिक्स नहीं है। तो सपोज करिए अब ये पी है, पी क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है किस सोसाइटी को, तीनों सोसाइटी में ये डिलीवर कर रहा है। जैसे कि ए में 6,000 किलोलीटर कर रहा है पी, पी कितना कर रहा है ए में 6,000 किलोलीटर, और बी में कितना कर रहा है 4,000 किलोलीटर एंड 2,000 किलोलीटर टू सी, और 2,000 किलोलीटर डिलीवर कर रहा है सी में, ठीक है ना। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ए को चाहिए 8,000 किलोलीटर लेकिन इसको मिल रहा है 6,000 किलोलीटर पी से, यानी 2,000 किलोलीटर इसको और चाहिए। तो अब ये 2,000 किलोलीटर कहां से लाएगा, क्योंकि पी के पास तो अब है नहीं, देखिए ये 12,000 प्रोड्यूस कर रहा था, 12,000 इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, 6, 4, 10, 2, 12,000 इसको ये जितना प्रोड्यूस कर रहा था सब इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब तो पी के पास है नहीं। तो अब ए को लेकिन अभी भी 2,000 किलोलीटर वाटर चाहिए, कहाँ से लेगा ये, तो सेकंड पावर प्लांट से यानी क्यू से। तो अब सिचुएशन हमें लगभग समझ में आ गया, अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और फिर अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है हमारा, हाउ मच वाटर शुड क्यू डिलीवर टू ए बी एंड सी टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली देखिए बी को भी 9,000 चाहिए, 4,000 मिल रहा है, सी को 10,000 चाहिए, 2,000 मिल रहा है, यानी कि ए बी सी तीनों ही सोसाइटी को अभी पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हुआ नहीं है। तो अब ये ए बी सी तीनों ही फिर बाकी जो बचा हुआ है वो क्यू से लेंगे, तो हमें यही बताना है कि क्यू से कितना लेगा। तो अब देखिए 8,000 माइनस 6,000 तो कितना हो गया इसका, हाउ मच वाटर शुड क्यू डिलीवर टू ए बी एंड सी टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। पहला हमारा ये था कि फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार, हाउ मच वाटर शुड क्यू डिलीवर, क्यू जो है कितना वाटर डिलीवर करे ए बी सी तीनों को। तो रिक्वायरमेंट ऑफ ए 8,000 किलोमीटर किलोलीटर सॉरी हैं सेकेंड, रिक्वायरमेंट ऑफ बी कितना था 9,000 किलोलीटर, और रिक्वायरमेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 10,000 किलोलीटर। तो चलिए इसको हम लोग कॉमन में लिख देते हैं, गिवन है तो हमें पता ही है, तो दिस इज गिवन, और ये जो दिया है गिवन है, ये जितने भी क्वेश्चन है सबके लिए सेम है, ठीक है ना। और क्या दिया है, पी प्रोड्यूसेस पी प्रोडक्शन ऑफ पी प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ आरओ वाटर बाय पी, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ आरओ वाटर बाय पी कितना है 12,000 किलोलीटर, और प्रोडक्शन ऑफ ऑफ आरओ वाटर बाय क्यू इज इक्वल टू 15,000 किलोलीटर, ठीक है। ये गिवन हमने लिख लिया, अब हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, अब पहला में हमें पता है कि ए रिसीव्स हाउ मेनी किलोलीटर ऑफ वाटर, 6,000 किलोलीटर ऑफ वाटर, वाटर बाय पी, थस
क्यू शुड डिलीवर कितना, तो उसकी रिक्वायरमेंट है 8000 और उससे मिल रहा है 6000 इज इक्वल टू 2000। किलोलीटर ऑफ वाटर ठीक है। तो उसी तरह से आपको बी का निकालना है, बी रिसीव्स सिंस आफ्टर सिंस ए रिसीव्स, अब यहां पे सिंस बी रिसीव्स हाउ मच, बी को कितना मिलता है पानी, हमने लिखा था 4000 किलोलीटर वाटर बाय पी। Therefore, अब therefore करके फिर आप B को मतलब Q को कितना उसको डिलीवर करना चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है B की 9000, रिसीव हो रहा है 4000, तो 9000 माइनस 4000 मीन्स 5000 किलोलीटर ठीक है। तो इसी तरह से आप C का भी निकाल लेंगे ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, इसके बाद आप खुद करेंगे, मैं यहाँ पे डैश डैश कर दे रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इफ रेट ऑफ पोर्टेबल वाटर इज ₹1 पर लीटर देन फाइंड द टोटल अमाउंट पेड टू क्यू। अब क्यू को कितना टोटल पैसा देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपको ये पता करना है क्यू टोटल कितना डिलीवर कर रहा है। तो आप देखिए पी तो अपना टोटल कर दिया, यहां टोटल रिक्वायरमेंट कितना है ए प्लस बी प्लस सी की 27000 और इन तीनों का मिला के इनका रिक्वायरमेंट कितना पूरा हो रहा है 12000। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, सेकंड टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू ए बी एंड सी इज इक्वल टू हाउ मच, सो ए का कितना था रिक्वायरमेंट 8000 प्लस 9000 प्लस 10000 इक्वल्स टू 27000 किलोलीटर, इतना रिक्वायरमेंट है तीनों सोसाइटी को है ना। और टोटल अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट ऑफ वाटर received from P, P से इन लोगों का कितना रिसीव हो रहा है, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो P दे रहा है टोटल 12000 किलोलीटर पूरा ये रिसीव अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है ना, तो 12000 लिख दे रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ₹1 के हिसाब से Q को कितना पेमेंट मिलेगा ठीक है ना। तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि कितना क्यू को क्यू ने कितना वाटर डिलीवर किया है ना, तो हम लोग लिखेंगे थस अमाउंट ऑफ वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम क्यू कितना 27000 की रिक्वायरमेंट है, 12000 उसको मिल गया है, तो बचा कितना 15000। ओके 15000 किलोलीटर पानी की रिक्वायरमेंट है और जो क्यू है वो 15000 किलोलीटर ही पानी प्रोड्यूस करता है राइट, यानी कि थस टोटल कॉस्ट या टोटल हमें क्या फाइंड करना है अमाउंट पेड टू क्यू, टोटल अमाउंट पेड टू क्यू इज इक्वल टू 15000 दे रहा है और ₹1 पर लीटर चार्ज है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब ₹15000। अब इसी को आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है,
पर लीटर। ओ देर इज अ लिटिल मिस्टेक, ठीक है, पर लीटर है रुपीज वन, है ना, और ये प्रोडक्शन है, ये किलो लीटर है। तो एक किलोमीटर, एक किलो लीटर में कितना ये होता है? लोग अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। तो ये हो जाएगा लीटर, मीन्स 1500000 liter। ये इतना हो गया उसका रिक्वायरमेंट। अब कितना पे करना पड़ेगा? तो एट रुपीज वन पर लीटर के हिसाब से, तो हम लोग इस वैल्यू को वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए यहाँ पे स्पेस कम है तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है, 1500000 into 1, मतलब रुपीज 1512345 6। अब इसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है या नेशनल सिस्टम में? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग इसका नंबर नेम लिखना है, ठीक है। तो अब आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करेंगे तो क्या रीड करेंगे? तो ये देखिए, हम लोग इसको पहले सेपरेटर यूज करेंगे प्रॉपरली, इसको रीड करना हमने सीखा है ऑलरेडी। अगर आप उन वीडियोस को देखें, सीखे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वैल्यू हो जाएगा 15 मिलियन हो जाएगा, 15 मिलियन, ठीक है, दिस इज द आंसर, 15 मिलियन उसको पैसा मिलेगा पर लीटर के हिसाब से। है ना, 15 मिलियन बहुत ज्यादा होता है, कम नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा ये सेकंड सॉल्व हो गया, थोड़ा हम लोग थर्ड को देखते हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड टू पी एंड राइट द आंसर इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये बिल्कुल भी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, तो इसको आप लोग खुद करिएगा। और 4 नंबर क्या है? फाइंड द एवरेज कंजम्पशन पर फैमिली पर डे इफ देयर आर 360,000 फैमिलीज लिविंग इन दिस 3 सोसाइटीज। मतलब 360,000 फैमिलीज रह रहे हैं तीनों सोसाइटीज में मिलाकर, तो पर फैमिली पर डे उनका एवरेज कंजम्पशन क्या है? अब एवरेज यहां पे आपको निकालना, कैसे निकालेंगे? फाइंड द एवरेज कंजम्पशन पर फैमिली पर डे, पर फैमिली पर डे। अभी हमने क्या पढ़ा कि ये जो है ये पर डे का है या पर मंथ का है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ प्लेस बी फ्रॉम दिस प्लान, हाँ डेली रिक्वायरमेंट है, ये पर डे का ही है। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, अब आप सोचिए क्या कर सकते हैं, तीनों सोसाइटी में मिलाकर 360,000 फैमिलीज रहते हैं, है ना, और उन तीनों सोसाइटीज को मिलाकर कितना वाटर उनको पर डे, चलिए इसको हम लोग बनाते ही हैं। देखिए टोटल फैमिलीज, यह नंबर 4, टोटल फैमिलीज इज इक्वल टू 360,000, है ना, तीनों सोसाइटी का मिलाकर 360,000 फैमिलीज रहते हैं। और टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर अब देखिए, पी 12,000 किलोलीटर डिलीवर करता है और क्यू 15,000 डिलीवर करता है, तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया? तो अच्छा, वो तो हमने पहले भी ऑलरेडी निकाल चुका था एक्चुअली में, है ना, 27,000 किलोलीटर। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज से। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो नंबर ऑफ फैमिलीज ज्यादा है और ये किलोलीटर में है, तो इसको हम लोग थोड़ा स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते ताकि ये नंबर थोड़ा बड़ा हो जाए, है ना। तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि देयर आर 1000 लीटर इन ए किलोलीटर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 27,000,000, ये हमारा हो गया टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर तीनों सोसाइटी का मिला के। थस एवरेज कंजम्पशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
तो टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, तो यहाँ पे टोटल कंजम्पशन है हमारा 2700000 एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है 36। अब देखिए ये 40 से 40 हो जाएगा कैंसिल, बचा 2700 बाय 36। इसको हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं क्लैरिटी के लिए। तो अब आप इसको 9 से कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स में, और ये 9 से 300 टाइम्स में। अब क्या ये फिर से 4 से कैंसिल होगा? यस, 4 से डिवाइड हो जाएगा आई थिंक। फोर सेवन ज़ा 28 एंड फोर फाइव ज़ा 20, 75, मतलब 75 लीटर इज द आंसर। मतलब ऑन एन एवरेज हर एक फैमिली 75 लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम करती है पर डे, ठीक है? तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमारा ये देखिए केस बेस्ड स्टडीज भी सॉल्व हो गया, और दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो, है ना? इसके बाद अभी भी हमारा छोटा सा कुछ टॉपिक्स बच रहा है, लाइक रोमन न्यूमरल्स, है ना, और फैक्ट फाइल है छोटा सा, और उसके बाद हम लोग को थोड़ा एस्टिमेशन पर भी ध्यान देंगे और कुछ मेंटल मैथ्स भी कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हमारा ये एक और पार्ट लग जाएगा। ओके, तो लेट्स एंड अप दिस वीडियो, मिलते हैं अगले पार्ट में, बिकॉज थोड़ा टॉपिक लंबा है, वीडियो लंबा जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।